हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग ना 25 तारीख का है, क्रिसमस वाला जो दिन था ना उस दिन का है। तो बस क्रिसमस थी तो इलू अपना गिफ्ट जो है वो ढूंढ रही थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सेंटा ने मुझे गिफ्ट दिया होगा या नहीं। और ये मैं लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ हो गया, इसलिए तो मैंने व्लॉग्स डाले भी नहीं थे। तीन तीन चार चार दिन का गैप हो जाता है। कहाँ रखा? इधर रखा है। सोने वाली बालियां हैं। अरे क्या लफड़ा है, मुझे समझ नहीं आता। देख निकाल के तो देख, सोना थोड़ी ना है। सोना ही वाली तुम पहनो, ठीक है? ये सोना है गोल्ड। इतना कैसे पैक है? वाव शाही। और वाह, ये तो वो नजर वाला और है, देख ये पहनते कैसे हैं। मेरे कहीं भी मस्त है। अरे वाह, है तो जाए वो। वाह ये मस्त है, ये भी मस्त है। वाह चलती है क्रंची। ये सबसे अच्छी लगी। मम्मी के जरिए पहन के रखे थे, कितनी सुंदर लगे यार, है ना? क्या क्या मिला बताते एक बार। अच्छा क्या ऐसी बता दे। स्क्रंची मिली, पहले सबसे पहले तो ये मिले सोने की इयररिंग्स, और फिर ये खूब सारी एक्सेसरीज मिली जिसमें कि ब्रेसलेट है नज़र वाला। और हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 14 तारीख का ब्लॉग है। सुबह का काम मैंने फटाफट जो है वो निपटा लिया था। आज का दिन मैंने रखा था सेल्फ। तो बस यहाँ पे इलू के पापा तो ऑफिस जा चुके थे और सर्दी थी तो हमने लेट काम स्टार्ट किया था क्योंकि इलू की छुट्टी भी थी। ऐसे ही बातें कर रहे थे तो उतने में बातें करते करते सिस्टर को भी कॉल किया, और अथक जो है उसके भी आने का दिल था यहाँ पे, लेकिन उनका बन नहीं पा रहा था कि आए नहीं आए, आए नहीं आए। ऐसे करते करते बात करते करते में ही उसे टिकट मिल गए। टिकट मिल गए तो उनके आने का बन गया। तो हमने फटाफट जो है काम स्टार्ट किया, छत को पूरा क्लीन किया क्योंकि छत हर दो दिन में चूचू और एक उसका फ्रेंड मिलके गंदी कर देते हैं। फिर बस घर की सफाई में लगी क्योंकि वो आने वाली थी और घर जो है फैल रहा था। संडे जब होता है ना, मैं बताती हूँ, तो मंडे के दिन पे बहुत फैला हुआ रहता है। और इलू ने भी बोल रखा था कि मम्मी रेड रेड आज सब कुछ बिछा देना, क्रिसमस है ना, इसलिए। तो बस सोफ़ा बैक वगैरह बदले मैंने और सारा घर जो है वो क्लीन करना था। आज के दिन पे बहुत काम करना पड़ा और लेट स्टार्ट किया मैंने, तो पूरे घर को डीप क्लीन करना था। और कोई आने वाला हो तब और ऐसा लगता है ना कि यार, क्योंकि संडे के दिन बिगड़ गया था, मैंने कहा फटाफट अच्छे से सब कुछ साफ़ करना है। बेडशीट वगैरह वैसे ही मुझे चेंज करनी थी तो दो मैंने नई लगा दी थी कि एक ये जब गंदी होगी तो ये निकाल दूंगी और नीचे वाली साफ रहेगी। तो ये बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की। फिर मैं किचन में आई क्योंकि किचन को भी डीप क्लीन करना था, देख रहे हो ना क्या हाल हो रहा है। तो बस फिर किचन को क्लीन किया, मतलब पहले तो ये सारा कुछ बिखेरा जो है वो साफ़ किया। बर्तन हो गए थे तो फिर मैंने इलू से कहा कि इलू बर्तन वाला काम तू ले और जो डब्बे वब्बे पहुंचने का काम है ये सब कुछ है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे बाथरूम भी दोनों क्लीन करने थे, वॉश बेसिन भी क्लीन करनी थी, ये सारा काम जो है वो मुझे करना था। और 8:15 के करीब जो है मेरी सिस्टर और उसका बेटा आने वाले थे तो टाइमली हमें काम भी ख़त्म करना था, प्लस उनके आने की तैयारी भी करनी थी। रात को थोड़ा सा मैंने सोचा था कि मील प्लानिंग कर लेंगे कि दो तीन दिन के लिए आ रही है तो फिर
जो है सिर्फ खाना बनाने में ही टाइम ना चला जाए, तो इसलिए मुझे मील प्लानिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे ये सारी को मैंने किचन को क्लीन किया और इलू ने बर्तन वर्तन किए और मैंने फिर डब्बे वब्बे जो है वो सारे साफ़ किए, तो ताकि अच्छे से हो जाए। हमेशा मेरी साफ़ रहती है, सैटरडे तक सब कुछ साफ़ रहता है, लेकिन संडे वाले दिन ऐसा बिखरता है ना कि पूछो मत। तो ये किचन की टाइल्स और सब कुछ मुझे जो है वो साफ़ करनी पड़ी। किचन को भी डीप क्लीन किया, घर को भी किया, बाथरूम को भी किया, तो एकदम से ना ढेर सारा काम मुझे करना पड़ा। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि या तो अगर वो लोग नहीं आते तो मैं और इलू चले जाएंगे 26 को, थोड़ा सा रुक के आ जाएंगे मम्मी औरों के यहाँ। बट वो लोग आ रहे थे तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और फिर उसके साथ ही हमारा जाने का था, क्यों? क्योंकि जो है मेरी भाभी भाभी की जो है गवर्नमेंट जॉब लगी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके चक्कर में उसे सवामणि भी करनी थी, उन्होंने सवामणि करनी थी भाभी ने। तो फिर काफ़ी टाइम से सोच रहे थे करें नहीं करें, हम कब जा सकते हैं उस टाइम पे करें। तो हमने सोचा चलो अब शिप्रा आ जाएगी तो शिप्रा के साथ ही जो है चले जाएंगे और सवामणि भी अटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे किचन के काम करने के बाद मैं वॉश बेसिन पे आ गई, वॉश बेसिन के बाद मैंने बाथरूम को साफ़ किया, बाथरूम के बाद मैंने नेक्स्ट वाला बाथरूम साफ़ किया और उसके बाद मुझे नहाना करना था, बट टंकी में हो गया पानी ख़त्म और इलू थी, इलू सो गई थी और मैं गाउन में थी तो मैं चलाने भी नहीं गई नीचे मोटर। फिर एकदम से इसके पापा आए तो मुझे जाना पड़ा कुछ शॉपिंग करने के लिए। एक बार कपड़े वपड़े बदल के मैं डायरेक्ट भागी सब्जी वगैरह कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आजकल ये पास वाली मंडी नहीं लगती है ना तो फिर दिक्कत होती है। तो और इनको मैं उस मंडी नहीं भेज सकती थी क्योंकि मुझे काम थे, तो मैंने इनको बुला लिया कि एक बार आ ही जाओ और फिर जो है इधर से ही ले लेंगे सब्जी फ्रूट्स। तो और फिर क्योंकि उनके आने का था तो शाम की सफाई भी होती है यार, सुबह कर लो कितनी सफाई लेकिन शाम को फिर वही चूचू और है ना ये वापस अंदर आती है जाती है, इल्लू होती है, तो घर थोड़ा ऐसे ही रहता है। यहाँ पे देखो सारी बाथरूम की टाइल्स साफ़ की, नीचे की टाइल्स साफ़ की, ये भी दो दो दिन में गंदा होता रहता है। इलू और इलू के पापा ये यूज़ देते हैं, घर की झाड़ू पोछा की, पूरी सफाई की, यहाँ को धोया, ऐसे करके काफ़ी टाइम जो है मुझे घर की डीप क्लीनिंग में लग गया। तो फिर बस फिर मैं मार्केट गई थी इसके बाद, बताया ना मैंने। तो अभी बजे हैं शाम के 5:45 और मैं नहा के आ गई हूँ। बीच में क्या हुआ, टंकी में पानी ख़त्म हो गया, इलू सो गई और मैं गाउन में थी तो मैं चला नहीं पाई। फिर ये आए और मुझे कुछ काम था तो मुझे ऐसे ही भागना पड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए है ना। और अब जो है फिर मैं नहाई, बालों को वॉश किया, ये झाड़ू लगा देगी। खाने का हमारा बाहर का ही रहेगा क्योंकि क्रिसमस है तो बच्चे थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, जीती जाएंगे, तो फिर इसलिए कुछ बनाना नहीं है। चाय वाय बना लेंगे, दूध भी नहीं था तो दूध भी मैं लेके आई। तो ये सब कुछ किया ना तो फिर मैं लेट हो गई। फिर घर आते ही मैं नहाई, पानी भर गया था टंकी में। फिर अब जो है तैयार हम रहेंगे, शिप्रा आएगी मे भी 8:15, मुझे तो लगता है 9 बजे ना आए, है ना, ये सेंटा का गिफ्ट इसका। तो चलो और करते हैं तैयारी नेक्स्ट डे की, करते हैं नेक्स्ट डे की, अभी डिसाइड करते हैं क्या क्या ये नाश्ते में खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो 2-3 दिन में तो कुछ नहीं हो पाता, नहीं तो घुमाते अथक को खूब, लेकिन 2 दिन के लिए आए, फिर हमें भी जाना पड़ेगा क्योंकि किसी काम से। तो 28 से 29 को हम भी चले जाएंगे उनके साथ ही, है ना इलू। फिर जाएंगे 2 दिन के लिए, फिर आ जाएंगे, लेकिन एक बार जाना है। तो चलो, तो मैं छोले वगैरह थोड़े से भिगो के रख देती हूँ कि भाई नाश्ते वाश्ते में छोले कुलचे और हो गए, तो इसलिए फिर भिगो देती हूँ, थोड़ी सी चटनी बना देती हूँ, थोड़ा और कुछ मुझे सूझा तो वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पालक तोड़ के धो करके और ना ब्लांच करके प्यूरी बना के रखूंगी, तो पालक पनीर बनाया तो काम आ जाएंगे। और इसलिए कर रही हूँ ये कि 2-3 दिन के लिए फिर बहन आ रही है तो फिर खाना बनाने और मैं लगी रहूंगी तो बातचीत कैसे करेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी मील प्लानिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। ये देखिए टाइम हो चुका है, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया, बस ने कुछ टाइम ज़्यादा ही ले लिया। मैंने चाय चढ़ा दी है कि वो देखो पीछे जो है वो चाय चढ़ रही है कि एक बार आएगी तैयार होएगी तो चाय पी लेगी, और देखते हैं उनका जाने का दिल हुआ तो ही मैं कहूँगी, क्योंकि हम लोगों ने उसने भी सोचा था और मैंने भी सोचा था कि 8:15 तक बस पहुँच जाएगी, लेकिन बस देखो 9:15 कर दी। फिर ये लेने गए हुए आएंगे, फिर थोड़ा सा वो चेंज वेंज करेंगे, अब देखते हैं क्या टाइम होता है, लेकिन मे बी क्रिसमस है तो लेट नाइट तक तो रहेगा थोड़ा सा। ये देखिए चाय तो हो गई है,
बस वेट कर रही हूँ। चूचू औरों को मैंने खाना खिला दिया है, यहाँ पे तो बना नहीं जाने की हिम्मत नहीं हुई और बहुत ज्यादा हम लेट हो गए, तो मेरी तो तैयारी पूरी है, बाहर से रोटी वोटी मंगाएंगे और सब्जी बना लेंगे और खा लेंगे। ये होता है फायदा मील प्लानिंग का, तो मैंने चीजें कर दी है। 8:15 का बस के पहुंचने का था बट ये लोग पहुंचे 9:15 के करीब। फिर ये वहाँ से बस स्टैंड से यहाँ तक आने में टाइम लगा तो 10 के करीब बज गए थे। फिर चाय वाय पिलाई, फिर तैयार हुए ये, तो फिर हम लोग गौरव टावर जो है चले गए थे, क्योंकि इस दिन थोड़ा सा कोई भी जो फेस्टिवल होता है तो ठीक है, खुला रहता है सब कुछ। तो ये सारा कुछ डेकोरेशन थी वहाँ पे, ये क्रिसमस ट्री ऐसे लंबा सा बना हुआ था, ये सारी डेकोरेशन थी। तो बस यहाँ पे गए, थोड़ा इधर उधर घूमे, लेट नाइट हो गई थी हालांकि, फिर थोड़ा खाया पिया। तो उसके बाद जो है बच्चों ने मैकडोनल्ड्स खाना था, मैकडोनल्ड्स जाना था, तो फिर मैकडोनल्ड्स की मील का काफ़ी दिनों से इलू ने सोच रखा था, कार्तिक आर्यन वाली मील लेंगे ऐसे करके, और मैकडोनल्ड्स भी बंद ही होने वाला था तो यहाँ पे ये लिए थे। और इनको खाने के बाद डायरेक्ट हम मैकडोनल्ड्स चले गए थे, तो वहाँ पे कार्तिक आर्यन वाली मील ली। इलू अपने फ्रेंड्स के साथ खा के आई थी, तो मैंने इससे बोला था कि इस बार अपन हम क्या है मिस्टर बीन अधिकतर चले जाते हैं, बट मैंने कहा इस बार मैकडोनल्ड्स चलेंगे और वो मील लेंगे। तो ये मील हमने ले ली थी जिसमें कि फ्रेंच फ्राइज थे और मैक पफ था और कोल्ड ड्रिंक थी और बर्गर था ऐसे करके। तो यहाँ पे फटाफट हमने लिया क्योंकि यहाँ पे भी ना क्लोज होने वाला था, 11:12 बजने वाली थी, 11:30 तो हो ही गई थी। तो बस ये खाया, काफ़ी अच्छी है ये भी मील और हैवी भी है, आपको ये पफ भी मिल जाता है, आपको बर्गर भी मिल जाता है, मैं आलू टिक्की और ये फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाती है। तो ऐसे करके ये सब खाया और बस घर आके और सो गए थे। तो नेक्स्ट डे शिप्रा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ का पानी सूट किया नहीं किया, और उसकी पहले से ही थोड़ा सा चल रहा था पेट में दर्द और मतलब अपच सा होता है ना, वो चल रहा था। तो हमने सोचा था काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे और सब करेंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाया क्योंकि उसके आते ही नेक्स्ट डे से ही तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की, 3-4 दिन अधिकतर मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं। फिर हम लोग क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब ये आए ना, तो वो सुबह तो सोती रही और पेट दर्द और उसका था, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, मैंने कहा चलो सिटी पार्क तो चलें। तो ये यहाँ पे लस्सी वाला था, फ्यूज़न लस्सी वाला, हमने रील्स में देखा था, इंस्टा रील्स में। तो यहाँ पे हमने लस्सी ली, बच्चों ने अपने अपने फ्लेवर जो भी है ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी और वाली लस्सी ली, और हमने प्लेन ही ले ली और पी। फिर सामने ही सिटी पार्क है, तो सिटी पार्क गए, वहाँ पर रील्स वगैरह जो है वो बनाई, और फिर हमने सोचा चलो जीटी एक बार और जाते हैं और वहाँ पे भी थोड़ा सा और एंजॉय करके आते हैं। ये तो चले गए थे हमें छोड़ के यहाँ पे, और हमने सोचा था हम ऑटो करके या कैब करके जीटी चले जाएंगे। बस 5 बजे के करीब हमने एंटर किया था सिटी पार्क में, फिर वहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि वो इतना बड़ा है ना, तो थोड़ा सा घूमा फिरा, थोड़ी रील्स बनाई ऐसे करके। फिर 7 बजे तक हम वहीं रह के हमने कहा कि गौरव टावर तो चले जाएंगे। फिर वहाँ से बाहर निकल के हमने गोलगप्पे वगैरह भी खाए थे, फिर हम जीटी गए, लेकिन जीटी में वहाँ पे शिप्रा की वापस तबीयत ख़राब होने लग गई, तो फिर वापस कैब करके वापस घर ही आ गए। फिर घर पे तो मैंने दाल चावल ही बनाए क्योंकि उसका पेट अजीब सा हो रहा था और सफ़र की थकान थी, चाहे सफ़र का कुछ भी था तो ऐसे करके, और उसकी बिगड़ती गई। तो फिर मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की थी और ये व्लॉग्स भी मैंने नहीं डाले थे इसीलिए, तो बस यहाँ पे रील्स ही थोड़ा सा ऐसे ही बना रहे थे। तो बस इसी तरीके से ना 3-4 दिन निकले, और फिर मैं बीकानेर भी गई, बीकानेर वाला भी व्लॉग है, भाभी ने जो सवामणि की थी, भाई भाभी और वो भी मैंने सारा व्लॉग बना रखा है। मैं सोच रही हूँ आज 2 व्लॉग जो है वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बहुत ही इन्जॉय किया, और बार बार उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, फिर उसको डॉक्टर को भी दिखाया, उसको इंजेक्शन वगैरह भी लगे, सब कुछ हुआ। तो इस चक्कर में ना ही प्रॉपर मैंने व्लॉगिंग की, ना ही मैंने व्लॉग्स डाले, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे अभी वर्क कर पा रही। तो
इसलिए ऐसे करके, फिर क्योंकि जाना भी था और पूरा घर जो है फैल गया और फिर आंखें भी इतना भयंकर वाला फैला हुआ था, तो अभी इसलिए ब्लॉग्स मेरे पास बने हुए थे लेकिन डालने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इसलिए अब मैंने स्टार्ट किया तो है, देखते हैं कितना हो पाता है। और यहाँ पे हमने ई रिक्शा की थी जान करके, क्योंकि मज़े लेने के लिए कि चलो इसमें जाके देखते हैं जीटी, तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।